3 बजे का बोला था। हाँ 3 बजे बारात। वैसे 1 बजे सहना तो लग गया होगा ना। हाँ, वैसे हम आपको जैसे शुरू से बताते आ रहे हैं, हम पूरी टीम तो बिल्कुल तैयार हो गई है और हम किसी भी पल बस वेन्यू में पहुंच ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें। अरे भैया सुन लो, वेन्यू पे तो पहुंच जाओगे भैया, लड्डू है शादी है, कम से कम लड्डू तो खा लो। वही लड्डू तो नहीं जो 1 लाख रुपए का एक लड्डू है। जब इतनी ग्रैंड वेडिंग हो, इतनी बड़ी शादी, तो भैया लाखों के लड्डू होंगे। और ये वो लड्डू है जिसे कहा जाता है जिसके बिना इंडियन वेडिंग अधूरी है। भाई मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। वैसे ही पहले तुमसे शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट, लड्डू खाओ। वैसे ही मैं आपको बता दूं, हमारी टीम में गौरव शादी का लड्डू पहले ही खा चुके हैं और ये सलाह दे रहे हैं कि आप भी शादी का लड्डू खाएं। तो भाई वैसे कहा भी जाता है कि शादी का लड्डू ऐसा लड्डू होता है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और मेरे मन में भी आ रहा है, तो मैं सोच रही रोक दो भैया, कटरीना की शादी हो जाए फिर अपना खूब डाइटिंग कर लेना। लेकिन फिलहाल तो मिठाइयां खाओ और लड्डू तो हम आपको खिला ही रहे हैं, आप भी खाइए। और लड्डू के अलावा और क्या कुछ खास होने वाला है, क्या क्या डिशेस बनने वाली है, कहाँ से सब्जियां आ रही हैं, कहाँ से पनीर आ रहा है, कहाँ से मशरूम आ रही है, भैया सब ब्योरा आपको देंगे। हाँ, बताइए सर। मैं बता दूँ, लड्डू तो 1 लाख का बड़ा ही स्वादिष्ट है सर। साथ ही आपको बता दूँ कि सब्जियां वगैरह इन्होंने 25 तरह की सब्जियां जो मंगाई है इटली से और काफी सारी फॉरेन कंट्रीज से मंगवाई है, जो 20 टन की सब्जियां और वैसे जो पकवान होने वाले शाही पकवान जिनको कहते हैं। अच्छा। हाँ, और सर जो वहाँ पे 700 साल पुराना किला है उनके जो शाही बर्तन है सोने के चांदी के, उनमें वो हम गेस्ट को खाना खिलाएंगे। अंकित इसीलिए थोड़ी ना इसे साल की सबसे बड़ी और ग्रैंड वेडिंग कह रहे हैं, जब इतनी लविश तरीके से शादी हो रही है तो यकीनन ये चीज होना तो बहुत लाजमी है कि हर चीज ही ग्रैंड हो। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इनकी शादी में पंजाबी और राजस्थानी फ्लेवर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि कैटरीना कैफ ब्रिटिश मूल से हैं, तो आपको थोड़ा कॉकटेल डिशेस का भी आनंद जरूर। विकी कौशल जो है वो महाराष्ट्रियन है, तो महाराष्ट्रियन भी कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और हो सकता है कि साउथ के डिशेस को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि साउथ का मेन्यू तो हर कोई पसंद करता है, क्योंकि कहते हैं खाने में लाइक होता है। भले ही गेस्ट बहुत लिमिटेड हो लेकिन वो हर जगह से आ रहे हैं, तो हर तरह का फ्लेवर इनके फ्लेवर तो हर जगह का होगा। और कहते हैं कि हमारा इंडियन फ्लेवर तो ऐसा है जो बड़े बड़े फ्लेवर्स पे भारी पड़ जाए। जी सर। और पता क्या है, वो विकी कुछ लोग होता पंजाबी है और पंजाबी क्या कि खाते हुए दिल खोल के, बिल्कुल कमाते दिल खोल के, और पीते भी दिल खोल कर। सही कहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन अभी शुरुआत तो हमने कर दी है मोतीचूर के लड्डू से, तो भैया शुरुआत कर दी है सर, मिठाई शुरुआत कर दी है, तो अब तो शादी तो शुभ होनी होनी है, क्योंकि यहाँ तो मिठाइयाँ बट रही हैं हमारे चैनल में, तो लोगों ने खानी शुरू कर दी है। आज विकी कटरीना की शादी है और शादी को और आपके जो ग्रैंड वेडिंग है, आपको एक बात बताऊं, गौरव ने कल रात से कुछ नहीं खाया, बोल रहे हैं जब से कि मैं तो विक्की और कैटरीना की शादी की जो स्पेशल प्लेटर लगने वाला है वो तो वही खाने वाले। और भैया सोने चांदी के बर्तन में भी खाएंगे आज हम भी। हम वैसे नहीं खाते, रोज तो हम स्टील में खाते हैं, अनब्रेकेबल में खाते हैं, पर भैया आज तो ग्रैंड डे है और ग्रैंड सेलिब्रेशन है, तो आज तो स्पेशल बनता है। और आज जो खाएंगे ना, अभी तो हम डब्बे लेके बैठे हैं, लेकिन आगे आगे ड्रेस में ना पतला दिखना है, मुझे नहीं लगना थोड़ा सा भी मैं फैट गेन कर लूं। वैशाली आज जो मिठाई खाओगी ना इसके साथ 3 दिन बाद दिखाई देगा, इसलिए आज तो अच्छा खा लो, आज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बाद में वर्कआउट कर लेना। बिल्कुल बाद में वर्कआउट कर लेना। तो चलिए आप भी तैयार हो जाओ, वही अपने डिजाइनर ड्रेसेस मंगवा लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त गाड़ी निकल जाएगी वेन्यू की तरफ। और उससे पहले अगर सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट, क्योंकि शादी से जुड़ा एक एक सवाल, एक एक नजारा आपके सामने होने वाला है और मिस मत कीजिएगा। देखिए लड्डू हम पहले मोर्चा मार चुके हैं, लड्डू खा चुके हैं शादी का, अगर नहीं खाया है, बिल्कुल। और एक लड्डू ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ है हमारे मेन्यू में, आइए तो सही, खाइए तो सही, स्वाद चखिए तो सही और बताइए तो सही कैसा लगा जी।